हाँ तो भाई, इसके हाल चाल हैं। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे TVS Apache 164 भी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला वेरिएंट है। मतलब नॉर्मल वाली जो Apache आती है उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है यहाँ पे 160 में, 4V में स्पेशली। तो यार, उसकी बात करेंगे कि क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है, क्या ऑफर करके बाइक, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस के बाद बात करूँ तो यार, इसका एक्चुअल प्राइस आपको दिल्ली में पड़ जाता है लगभग 1,28,000 रुपये, और इसका ऑन रोड प्राइस आपको दिल्ली में पड़ेगा लगभग 1,52,000 रुपये। इस प्राइस पॉइंट पे सबसे पहले यार की दिखा देता हूँ आपको कैसी मिलती है। वैसे तो यार बाइक की कीज़ लगभग सेम ही होती है, बस लोगो वगैरह होता है। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे डिज़ाइन में देखने जाती है यहाँ पे कीज़। बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लुक देखने मिल जाता है, बिल्कुल नेकेड लुक देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसके हेडलैम्प वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लाइट काफ़ी अच्छी है इसकी, पूरी LED बेस्ड ही होने वाली है लाइट। और देख सकते हो इसका बम्पर, इसका यहाँ पे साइड का ये व्यू काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे लुक दे देता है। ऊपर और नीचे आपको यहाँ पे दोनों ही LED बेस देखने मिल जाते हैं, नीचे वाला लो बीम के लिए, ऊपर वाला हाई बीम के लिए। और अंदर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक एंड DRS भी देखने को मिल जाते हैं। एंड सेंटर में आपको यह देख सकते हो, इसमें भी आपको यहाँ पे Apache की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और साइड में आपको यहाँ पे वाली इसके फेयरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। स्मार्ट कनेक्ट का यहाँ पे स्टिकर दिया गया है। और अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, मड गार्ड की बात करूँ, मड गार्ड आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश में ही देखने मिलेगा हालांकि, लेकिन हाँ लुक में काफ़ी अच्छा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देता है यहाँ पे TVS, तो आप जानती हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनका साइज़ होने वाला है 1990x17, 17 इंच के आपको यहाँ पे व्हील मिलेंगे। 90x90 का सेक्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, जो कि वैसे बूच वाली नहीं होने वाली, नॉर्मली है। और फ्रंट में आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ABS भी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है इसमें भी। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे TVS की यहाँ पे रेसिंग वाली स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे हालांकि यार नॉर्मली सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी यार लुक आप जानते हैं, TVS जो है लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कैलिपर नॉर्मली है, मतलब कंपनी की है। अभी TVS कौन सी कंपनी का यूज़ करती है मेरे को पता नहीं, खुद के होंगे तो हाँ, मतलब ब्रेकिंग अच्छी है यार, ये कहना चाहता हूँ। एंड अभी साइड में चले तो यार, साइड में आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये देखो आप, जो ये वाला पार्ट है पूरा आपको यहाँ पे ओपन देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एयर कूल्ड ही होने वाली है बाइक। यहाँ पे क्या कहते हैं, लिक्विड कूल नहीं मिलती आपको यहाँ पे 160 में, वैसे ज़रूरत भी नहीं है लिक्विड कूल होने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट नहीं ये प्रोड्यूस करती, लेकिन हाँ लुक आपको यहाँ पे इससे भी काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे काउल देखने मिले, काउल के ऊपर भी आपको यहाँ पे वेल देख सकते हो, हाइपर एज देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस पर। वेल लुक तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं एक बार आपको आगे करके दिखाता हूँ यहाँ पे बाइक को। तो लुक यार फिर से बताता हूँ, लुक देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। सो साइड में आपको यहाँ पे TVS का यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाता है, इंजन के ऊपर भी इंजन आपको यहाँ प्योर ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको यार जो ये वाला पार्ट होने वाला है प्लास्टिक में, ये वाला फाइबर का लग रहा है, मेटल तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ फिर से बता रहा हूँ लुक्स, ये आप देख सकते हो जो ये एज निकल के आती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको Apache का यहाँ पे स्टिकर लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक टोन में। और यार यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला है, जो टैंकी ओपनिंग वगैरह लीड वगैरह वो सेंटर में होती है, इसमें यहाँ पे साइड में दी गई है, तो ये कुछ अलग देखने को मिला। और आपको यहाँ पे सेंटर में एक स्ट्रिप देखने मिल जाती है रेड फिनिश में, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको RTR 160 की बैजिंग भी देखने मिल जाती है, लोगो वगैरह। तो भाई इस इंजन की बात करें, इंजन आपको मिल जाता है 160cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि है सिंगल ओवरहेड कैम के साथ, फोर वेल के साथ। ये प्रोड्यूस कर देता है ऑलमोस्ट 17.5 BHP की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क, बिल्कुल काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करके देता है आपको यहाँ पे इंजन अपने साइज़ के हिसाब से। और परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं Apache की कैसी रहती है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है बाइक। और साइड में आपको यहाँ पे गार्ड वगैरह देखने मिल जाते हैं। और ये बताना भूल गया था यार मैं, ये देखो आप इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी देखने मिले। और आप एक बार क्लोजअप शॉट दिखा दो यहाँ पे, वेल जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो ब्रेक लीवर हो गया, यहाँ पे क्लच लीवर हुआ, ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। अगर आपके हाथ छोटे या फिर बड़े हैं तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी रहेगी। अभी साइड में दोबारा चले तो साइड में आप देख सकते हो ब्रेक लीवर हुआ, यहाँ पे ये वाले पार्ट हुए, फुट पैग्स हुए, ये आपको यहाँ पे मेटल के एलुमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे तो रबर होती है वैसे, क्योंकि आप जानते हैं ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रबर का पार्ट होना। और पीछे मफलर की बात करूँ तो मफलर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव साइज़ का देखने को मिल जाता है, ऐसा लगता है कि दो टिप एग्जॉस्ट है, लेकिन है सिंगल टिप एग्जॉस्ट ही। देख सकते हो आपको यहाँ पे डिवाइडेड देखने को मिल जाता है दो पार्ट में, तो ऐसा लगता है कि दो टिप है लेकिन है सिंगल टिप ही। लेकिन हाँ साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, एक बार साउंड सुनेंगे लास्ट में। एंड पीछे आपको यहाँ पे पीछे के व्हील की बात करूँ तो पीछे का व्हील आप देख सकते हो,
वही पीछे का व्हील दिखाना, तो पीछे का व्हील आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे रेड फिनिश में देखने मिल जाता है, रेड वाले व्हील है। और पीछे भी आपको यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक देखने मिल जाती है, आपको यहाँ पे तीन वेरियंट्स में मिल जाती है, मतलब ड्रम ब्रेक भी आता है पीछे, डिस्क ब्रेक भी आ जाती है और एक और वेरियंट आ जाता है, तो आप देख लेना। एंड और तो क्या है, पीछे आपको यहाँ पे ये टायर हगर मिल जाता है, मड गार्ड वगैरह मिल जाएगा। और आप पीछे के सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सिंगल यहाँ पे सस्पेंशन देखने मिल जाता है, मतलब यार सिंगल स्प्रिंग है, तो ये मोनोशॉक सस्पेंशन हो गया। एंड पीछे की बात करें तो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट वगैरह, लाइट आप जानते हैं टीवीएस अपाची की पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन वाइज भी और यहाँ पे इसकी लाइटिंग भी पूरी एलईडी वाइज देखने को मिलेगी। एंड साइड्स में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स हालांकि रिफ्लेक्टर बेड ही देखने को मिलेंगे, और ये रिफ्लेक्टर वगैरह तो यार ये यहाँ पे मड़गाड़ वगैरह ये तो नॉर्मल है। एंड बॉयज़ यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको 12 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और ये E20 भी सपोर्ट करता है फ्यूल, जो कि नॉर्मल हो गया वैसे तो। और सीट की हाइट की बात करूँ, सीट हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है 800 mm की। एक बार मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखा देता हूँ कि कैसी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। मेरी हाइट 5'10" और मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे मैं पैर रख पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पैर से इधर रखना पड़ रहा है, एक पैर नहीं रख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह, इसका जो यहाँ पे पोस्चर है काफ़ी अच्छा है, पोस्चर आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, साउंड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। तो ये आप देख सकते हो पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल होके बैठोगे आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पोर्ट्स वाली आपको यहाँ पे पोस्चर देखने को मिलता है कि पूरा नीचे होके बैठे हो, तो पोस्चर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल देखने को मिल जाता है। सिटी राइड वगैरह करनी हो आपको यहाँ पे, लॉन्ग टूर लेके जानी हो बाइक, तो आप ले जा सकते हैं। एंड पीछे की आपको यहाँ पे पिलियन सीट भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफर्टेबल देखने मिल जाती है, इसकी विड्थ देखो आप एक बार, और इसकी यहाँ पे हाइट भी नॉर्मल देखने मिल जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पिलियन को ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। और वेब रेल्स वगैरह तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ही। साइड में आपको यहाँ पे स्टिकर वगैरह देखने मिलेंगे RTR के 164 भी। एंड अभी मीटर की बात कर लेते हैं, तो मीटर यहाँ पे होने वाला है, आप देख सकते हो मीटर यहाँ पे पूरा डिजिटल होने वाला है। एंड यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाता है टैकोमीटर, नीचे आपको यहाँ पे टाइम वगैरह दिखा देगा, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं फ्यूल गॉज मिल जाता है, ऑल्सो आपको यहाँ पे ओडोमीटर एंड कुछ और इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ब्लूटूथ भी सपोर्ट करता है यहाँ पे, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड का साइड यहाँ पे स्टैंड का वार्निंग वगैरह मिल जाती है, तो अगर आपको मोड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मोड इधर आ रहा है, मेरे को लगता है बाइक ऑन करना पड़ेगा तब आप मोड चेंज कर पाओगे, तो वो सब है। एंड यहाँ पे भी आपको इसके कुछ बटन वगैरह देखने मिल जाते हैं ट्रिप वगैरह के, वेल सही है, मतलब इसका यार लाइटिंग वगैरह इसकी जो यहाँ पे ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मिरर्स के साइज़ हुआ, ये भी आपको यहाँ पे स्टाइलिश भी मिलते हैं और बड़े भी है। एंड हैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे फीचर्स कुछ देखने मिल जाते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाता है किल स्विच, और आपको यहाँ पे इसका मोड देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इग्निशन बटन मिल जाता है, एंड लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे लो बीम हाई बीम पासिंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स एंड यार हॉर्न तो काफ़ी ज़्यादा लाउड होते हैं पाते के, आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, हॉर्न तो काफ़ी ज़्यादा लाउड होते हैं। एक बार इसके अलावा एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं कैसी है। इग्निशन बंद है, साइड गार्ड हटाना पड़ेगा, साइड स्टैंड, तो वो इस साउंड तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि यार बाइक वम अप हो रही थी, मैं नहीं चाहता था कि इंजन ख़राब हो जाए, उसकी वजह से कि रेस दे दूँ पूरी, तो यार एक दो साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यार बाइक में ये सब था बताने के लिए, और तो यार क्या है, और हाँ ये बता देता हूँ बाइक यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको पैकेज देखने मिल जाता है। पहले ये सब था पे बाइक में बताने के लिए, और हाँ इसमें स्मार्ट कनेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, वो तो यार क्या कहते हैं डिजिटली हो गया मामला, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न फीचर्स। वैल ये सब तो बाइक में बताने के लिए, और कुछ बाकी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।